नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं प्रदेश की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। राजस्थान में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 25,000 पार पहुंच चुका है। प्रदेश में मंगलवार को 98 नए मरीज सामने आए, वहीं 3 कोरोना संक्रमित लोगों की मौत भी हो गई है, जिसके बाद प्रदेश में अब मौत का आंकड़ा भी 521 पर पहुंच चुका है। हालांकि राजस्थान में कोरोना के 5,759 एक्टिव केस है, बाकी सभी मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुकी है। वहीं प्रदेश की दूसरी और आज की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो गुर्जर बाहुल्य इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। एएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है और कहा है कि स्थिति पर पूरी नजर बनाए रखें। आपको बता दें, सचिन पायलट को पीसीसी चीफ से हटाने के बाद गुर्जर बाहुल्य इलाकों में हाई अलर्ट की स्थिति फिलहाल बताई जा रही है। इसके साथ ही राजस्थान की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच मंगलवार को सचिन पायलट समेत 3 मंत्रियों को सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा मुकेश भाकर को भी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाए जाने के बाद अब गोविंद सिंह डोटासरा कमान संभालेंगे। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी पद से हटा दिया गया है। प्रदेश की राजनीति से जुड़ी एक और बड़ी खबर की बात करें तो नागौर के सांसद व आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान सामने आया है। बेनीवाल ने कहा है कि कांग्रेस के 8 से 10 विधायक मेरे संपर्क में है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि गहलोत की सरकार का गिरना निश्चित है। हनुमान बेनीवाल ने अशोक गहलोत के साथ होटल में ठहरे विधायकों को अपने संपर्क में बताया है। इस वक्त एक और बड़ी राजस्थान की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। कल 10 बजे सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सचिन पायलट कई अहम निर्णय ले सकते हैं। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री गहलोत के निवास पर शाम 7:30 बजे अहम बैठक का आयोजन किया गया है। कैबिनेट मीटिंग होगी यह, इसमें सीएम गहलोत भी बड़े फैसले ले सकते हैं। सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और पीसीसी के पद से हटाने के बाद सचिन पायलट ने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की बात करें तो वंदे भारत मिशन के तहत प्रवासी राजस्थानियों को लाने का सिलसिला जारी है। आज भी करीब 350 प्रवासी राजस्थानियों को अलग अलग देशों से जयपुर लाया गया। राजस्थान रोडवेज को लेकर बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जयपुर के सिंधी कैंप से कल सीकर, बीकानेर और श्री गंगानगर के लिए बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। तो यह थी प्रदेश की बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।